सारे आपका माँ बहनों से गुजरा है, आपका बीमारी से जुड़ा है। अब सोच लीजिए कि अगर ये गंदगी से कितनी बीमारियां होती होंगी, आप लोग जानते होंगे इस बात को कि गंदगी से कितनी बीमारियां होती है। टाइफाइड से लेकर के मलेरिया से लेकर के डेंगू, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बच्चा है, अगर जीरो से लेकर के 5 बरस से अगर बीच में अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है, 2-3 बार अगर बीमार पड़ जाता है, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। पढ़े लिखों का गाँव है, बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि 0 से लेकर के 5 बरस की उम्र में जितना उस बच्चे का दिमाग का तीव्र गति से तरक्की होता है, मैं समझता हूँ कि 5 से 80 के बाद तरक्की उतना तीव्र गति हुई होता है। एक है ज्ञान का भंडार है, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सच कह रहे हैं कि आपको कहे गए स्वस्थ हो जाएंगे तो कहे गए कि ये की कमी हो जाएगी। इसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि गाँव में हमारा पूर्वज कहता था कि गाँव में स्वच्छ और सुंदर हवा मिलती है। अब जरा बताइए कि इस गांव में आज 1 लाख जनसंख्या 100 वर्ष पहले थी क्या? 100 वर्ष पहले 1 लाख जनसंख्या थी क्या इस गांव में? लेकिन सोच लीजिए इस बात को कि अगर इस गांव में 1 लाख जनसंख्या हो गई है तो जरा सोचिए कि क्षेत्रफल आपका बड़ा होगा। क्षेत्रफल बड़ा भी नहीं है, लेकिन हमारा जो पूर्वज का कौशल लाभ है तो इज्जत अमरू लाभ है था, इज्जत अमरू को समझते थे, कहीं न कहीं घर से पैसों दूर सर्च करने के लिए जाते थे। वही नहीं जो हमारा उससे और पूर्वज का कहीं न कहीं तट्टी को ठगने का भी उस जमाने में काम किया जाता था। या बहुत से पूर्वज जो कहते हैं पता कर लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सोच लीजिए इस बात को। आज तो लाभ है सब खत्म, हम सोच करने बैठ जाते हैं। अगर घर के हमारे अगल बगल के कोई माँ बहने या नौजवान या बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी सी मूरी से घर तक नीचे झुका लेते हैं और उसके बाद फिर वैसा हमारा नित्य क्रम चालू रहता है। पहले ऐसा ही होता था क्या? आज हम मूल चीज को छोड़ते जा रहे हैं, केवल छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मूल चीज को छोड़ते जा रहे हैं जो आपका पूर्वज बनाया है। आज बताया कि आपके गांव में संस्कार पहले कितना था, आज कहां संस्कार चला गया? मैं आप लोगों से रेतीपुर के लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपके गांव में पहले ऐसे ही होता था क्या? लेकिन सच कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने बड़े पैमाने पर तरक्की किया है तो इसे कुप्रथा को खत्म कर डालेंगे, सरकार आपके साथ खड़ी है। अब जरा उनके बारे में भी सोच लीजिए कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय गाड़ी बाइक मोटरसाइकिल मोबाइल नहीं था। इस देश के लोग इस मुल्क को आजाद कराने के लिए पैसों पैसों दूर जाते थे, पैदल चलते थे, और उसके बाद अंग्रेजों से जब मुल्क को आजाद कराने का काम किया, जैसे में महात्मा गांधी से लेकर के चंद्रशेखर आजाद से लेकर के तमाम लोग, अब सोच लीजिए कि आपका जो ये सपना है ये महात्मा गांधी जी का सपना है जो आपका देश को मुल्क कराने का काम किया है, आजाद कराने का काम किया। अगर उनकी अगर सपने को ये भारत सरकार ने जंग छेड़ दिया है गांव गांव में कैंप लगा करके, अगर सच कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क इस देश का जो भारत सरकार की जो मुहिम है, महात्मा गांधी जी का जो सपना है जो कहीं न कहीं हमारे देश में अधूरा रह गया है, अगर सच में कह रहे हैं कि रेतीपुर के लोगों अगर इस सपने को साकार कर दोगे तो महात्मा गांधी कहेंगे हम जो कहने गए हैं रेतीपुर को शांति हम करेंगे। इसलिए कह रहे हैं